कुशल वाटिका प्रांगण में भगवान मुनि सुव्रत स्वामी जैन मंदिर, दादावाड़ी नवग्रह मंदिर, देवी देव मंदिर एवं गुरु मंदिर की छठी वर्षगांठ शुक्रवार को धूमधाम से मनाई गई। इसको लेकर प्रातः 18 अभिषेक, 17 भेदी पूजा, शिखर पर लाभार्थी परिवारों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ ध्वजारोहण के साथ ही कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर स्थित कुशल वाटिका प्रांगण में शुक्रवार को भगवान मुनि सुव्रत स्वामी जैन मंदिर, दादावाड़ी नवग्रह मंदिर, देवी देव मंदिर एवं गुरु मंदिर की छठी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। साध्वी डॉक्टर विद्युत प्रभा की प्रेरणा से साध्वी प्रवर्तनी प्रमोद की स्मृति में बनी कुशल वाटिका के 9 मंदिरों की छठी वर्षगांठ के मौके पर जिले भर से जैन समुदाय के हजारों श्रावक श्राविकाएं कुशल वाटिका पहुंचे। मुनि समय प्रभ सागर एवं श्रेयांश प्रभ सागर की पावन निश्रा में प्रातः 8 बजे 18 अभिषेक, 9 बजे 17 भेदी पूजा, दोपहर 12:39 पर विजय मुहूर्त में शिखर पर लाभार्थी परिवारों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ ध्वजारोहण किया गया। मूल नायक भगवान मुनि सुव्रत स्वामी भगवान की मुख्य ध्वजा भवरलाल विरधिचंद छाजेड़ परिवार हरसाणी वालों की ओर से चढ़ाई गई। 17 भेदी महापूजन व 18 अभिषेक में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अशोक बोथरा ने प्रभु भक्ति के भजन गाए, साथ ही विधिकारक उदय गुरु ने विधि विधान के साथ महापूजन करवाया। कार्यक्रम के बाद धर्म सभा का आयोजन हुआ, साथ ही ध्वजा के लाभार्थी परिवारों द्वारा स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया गया। धर्म सभा व स्वामी वात्सल्य में अनुकरणीय सेवा देने वाले मंडल संस्थाओं और स्वामी वात्सल्य के लाभार्थी परिवारों का ट्रस्ट मंडल की ओर से बहुमान किया गया। धर्म सभा में प्रवचन आदि के साथ चढ़ाओं की बोलियां बोली गई। वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिन मंदिरों को रंगीन रोशनी और फूलों से सजाया गया, वर्षगांठ कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों सहित देश प्रदेश से हजारों गुरु भक्तों ने शिरकत की। शाम 4 बजे कुशल वाटिका परिसर में कुशल वाटिका ट्रस्ट मंडल की बैठक आयोजित हुई।